दोस्तों गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल हमने क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है। डिस्क्लेमर YouTube के भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका इतना सा मतलब होता है कि ये हमारा पर्सनल व्यू है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो हम निकालते हैं वही हमारा ये पर्सनल व्यू है। तो जो भी इसको देखते हैं या मार्केट में काम करते हैं वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। उसका रीज़न है, अगर जो मैं बताता हूँ उसमें कोई चेंज होगा या मेरे को लगेगा तो मैं अपडेट कर दूँगा। आज देखो मंदी बताई थी, मार्केट नीचे था, नीचे गया, रिकवरी भी ज़्यादा नहीं की, तो मैंने कोई अपडेट आपको बीच में नहीं दिया। ठीक है, तो आज 18 तारीख थी, मंदी बताया, मंदी हुई है 19 अप्रैल को, क्या है, तेजी बताई थी। अब इसमें क्या कंडीशन थी कि ये मार्केट अगर हमारा ग्रीन में क्लोज होता है आज, तो फिर सोमवार, मंगलवार और बुधवार तेजी होनी थी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा सस्पेंस था, होने को अभी भी हो सकती है पर अभी उतनी उम्मीद नहीं है। जब ये योग यहाँ से एक्टिवेट होना था तो वो आगे तक चल रहा था, वो नहीं चला। ठीक, अभी क्या हो सकता है, 19 तारीख को तेजी बता रहे हैं आप लोगों को, मार्केट गैप अप खुलता है, फर्स्ट कंडीशन, गैप अप खुले रुके या मैं आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन मार्केट नीचे जरूर जाएगा एक बार। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ है मार्केट आपका। दूसरा, हमारा सपोर्ट था 300 वाला, वो भी तोड़ दिया है। अभी तेजी की हम जब भी सोचेंगे 300 के बाद या 250 के बाद, 17,250, 17,300 के ऊपर कोई आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट की कैंडल बनाता है तो आप लोग सोच सकते हो, अगर नहीं बनाता तो नहीं सोचेंगे। ठीक, ये बैंक निफ्टी की कॉल दी थी 36,700 की, 330 पर 450 गई। कॉल तो ये पहले भी दी थी 500 के करीब पर, वहाँ 25-30 पॉइंट ऊपर गई थी, फिर 490 पे मैंने बोला इसके नीचे आती है तो आप लोग मत इसको खरीदना, फिर 330 पे खरीदवाई थी, 120 पॉइंट मिल गए। 120 पॉइंट का मतलब हो गया करीब करीब 30%। ठीक है, अब जिसको इसमें फ़ायदा नहीं होता तो मैं क्या बोलता हूँ, एस्ट्रो स्टॉक हमारा ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम कर सकते हो। इसके बाद में अगर हमारे साथ अकाउंट खोलते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग काम करते हैं वो फ्री में कर सकते हैं, वहाँ 250-300 आदमी है वो भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। दूसरा एक आपका क्वेश्चन रहता है कुंडली का, कुंडली में देखता हूँ यही है कि जो आज डालेगा मतलब बताएगा, पैसे जमा करेगा, वो कल या परसों में बताते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी और कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मार्केट में ना थोड़ा सा छोटे छोटे जो कंट्री हैं कुछ उनका इशू है, जैसे नेपाल का चल रहा है, श्रीलंका का चल रहा है, ठीक है, उधर यूक्रेन रसिया का है, इस वजह से ना कहीं मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी जो तेजी वाला है। तेजी तो अभी भी होगी, कहीं सपोर्ट लेगा यहीं से, अगर नहीं लेता, या देखो तेजी जब भी सोचना जब 17,250 के ऊपर मार्केट जाए रुके, उससे पहले तेजी मन सोचो। अब जो ये तेजी मैंने बताई थी मेंबर को, इसलिए मैंने ये इस पर टेलीग्राम पर भी मैसेज डाल दिया था आप लोगों को कि भाई ये थी, इसलिए कोई आदमी पोजीशन मत लेके जाओ, प्रीमियम ग्रुप में भी नहीं लेके गए, फ्री गए। कल अगर कोई देखो तेजी होती है तो बढ़िया है, वैसे होने की एक बार नेगेटिव में जाएगा, फिर कहीं मार्केट सपोर्ट लेके आ सकता है, नहीं तो उम्मीद कम है। तो ये कल देखते हैं, इसका अपडेट मैं देख के दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।